पहले तीन बेटियों का वंश बतलाया, मझली बेटी देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिन करदम जी से विवाह करके देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया, बाद में 10वीं संतति के रूप में साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय। अपनी जो 9 बेटियां थी, अभी आपने सुना 10 ऋषियों का नाम, उसमें 10वें नंबर के नारद जी थे, तो नारद जी को छोड़कर बाकी 9 ऋषियों के साथ करदम जी ने अपनी 9 बेटियों का विवाह कर दिया। इसलिए जितने भी महात्मा है ज्यादातर गृहस्थ हैं, विरक्त कम है। गृहस्थ मार्ग माने निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, दोनों मार्ग भगवान तक पहुंचाने वाले हैं, जो अच्छा लगे। तो गृहस्थ संत ज्यादा हुए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन 9 बेटियों का विवाह करके ऋषियों को सौंप दिया और पत्नी को कपिल जैसा परम ज्ञानी पुत्र दिया और करदम जी तपस्या करने निकल गए। अब घर में केवल मैया बेटा 2 रह गए। एक दिन एकांत में माता देवहूति ने भगवान कपिल से पूछा, निर्विघ्नान तराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तमम। हे प्रभु, मैंने राजपुत्री सम्राट मनु की बेटी बनके सारे सुख मायके में भोगे और करदम जैसे तपस्वी की पत्नी बन करके इच्छानुसारी विमान में विचरण किया है। करदम जी ने अपने संकल्प से एक विमान बनाया था, नाम था उसका कामग, जो कामना अनुसार गमन करता था, डीजल पेट्रोल का कोई काम नहीं, संकल्प करो संकल्प की गति से विमान उड़ता था, इसलिए उसका नाम था कामग विमान। तो देवहूति कहती है, मैंने सारी अपनी जितनी भी कामनाएं थी मनोरथ थे सब पूरे किए और इतनी सारी सुख सुविधाओं को पा करके भी जो चाहा सो पाया, परंतु अभी भी विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। तो बेटा ये बताओ, इन विषयों से वैराग्य हो गए कैसे? तब कपिल भगवान कहते हैं, देवहूति माने एक श्लोक में स्तुति करके कपिल भगवान से शरणागति ग्रहण करी। तम त्वागताहम् शरणम् शरण्यम् स्वभृत्य संसारतरो कुठारम्। तम त्वागताहम् शरणम् शरण्यम् स्वभृत्य संसार कहती हैं, आप शरण्य हैं प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरी जिज्ञासा को पूर्ण करें कि मैं मेरे इंद्रियों में मैंने विषयों का इतना सेवन कराया, सारे सुख साधन जितनी संभव हो सकते हैं सब मैंने जीवन में पाया, फिर भी इन विषयों से पूर्णता क्यों नहीं आई, वैराग्य क्यों नहीं हुआ, तृप्ति क्यों नहीं हुई? तब कपिल भगवान उपदेश देते हैं 8 अध्यायों में, इसको कपिल अष्टाध्यायी कहा जाता है। अब श्रीमद् भागवत में इतना ज्ञान विज्ञान सब भरा हुआ है कि अब 3 घंटे में क्या छोड़ें, क्या कहें और क्या भजन सुनावे, इसलिए आज तो बिना भजन की पूरी कथा हो गई। तो भजन कीर्तन तो हम सुनाते रहेंगे और पर कन्हैया का जन्म होगा कल, उसके बाद में खूब बढ़िया कन्हैया की लीलाओं में
ब्रज के रसियों रसिया का आनंद लेंगे आप, तो आज देखो नींव थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, उसके बाद महल फिर कितना भी बढ़िया बने स्थिर रहता है। इसलिए दो तीन दिन की कथा थोड़ी सी गंभीरता से हमें खूब विचार कर लेना चाहिए, तब भगवान की लीलाओं में आनंद आएगा। कृष्ण तत्व क्या है ये समझ में तो आवे। पहले तो सीधी सीधी कथाएं होती थी, तो लोगों ने कहा कि वो सीधी सीधी कथा कुछ समझ में नहीं आती, निद्रा देवी आ जाती हैं, मन ठीक से नहीं लगता। तो लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, तो इसमें थोड़ा संगीत का शहद मिला दो, क्योंकि पुराने जमाने में वैद्य लोग जब देते थे ना, तो चूरन जो होते इतने कड़वे के मुंह खराब हो जाए, कैसे खाएं, तो कहते हैं शहद के साथ चाट लो, तो शहद की मिठास के सारे वो चूरन भी लोग चाट लेते थे और फायदा भी हो जाता था। तो उसी प्रकार भागवत की औषधि है, रूखी रूखी लोगों को पसंद नहीं आई तो संगीत का शहद मिलाया, कि संगीत के शहद के सहारे ये औषधि लोगों के जैसे भी कान में तो जावे, हृदय में उतरे, फायदा होगा। परंतु समस्या कहाँ आ गई कि जब से संगीत का शहद मिलना चालू हुआ भागवत की औषधि में, तब से लोगों ने शहद ही शहद परोसना चालू कर दिया और औषधि धीरे धीरे सब गायब होती चली गई। और जब तक औषधि पर्याप्त नहीं होगी तो शहद से स्वाद भले ही बढ़िया बन जाए पर स्वास्थ्य बढ़िया नहीं बनेगा। स्वास्थ्य तो औषधि से ही ठीक होता है ना भाई, शहद तो एक केवल उसका सहायक होता है। इसलिए हमने सोचा भजन कीर्तन में तो समय बहुत चला जाता है, उसमें हम कुछ और विषय का प्रतिपादन कर सकते हैं, इसलिए हमने भागवत के श्लोकों को ही संगीत के शहद के साथ जोड़ने का प्रयास किया, ताकि अलग से ज्यादा समय हमारा अतिरिक्त न जाए। और ज्यादातर भागवत के श्लोक में, भागवत में भी बहुत बढ़िया बढ़िया गीत हैं, स्तुतियां भी बड़ी सुंदर सुंदर हैं, तो भले ही आपको रूखा भी लगता हो तब भी आप इसको सुनने का और समझने का, आत्मसात करने का प्रयास करें, क्योंकि यही स्वास्थ्यवर्धक है।